मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर, आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। शादी के बंधन में बंधेंगे नोबिता शिजुका, इमोशनल हुए फैंस, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कार्टून शोज में डोरेमोन का नाम जरूर होता है। फुजिको फुजियो द्वारा गढ़ा गया ये फिक्शन किरदार एक रोबोटिक मेल केंट है जो कि भविष्य से 12वीं सदी में आ जाता है। बच्चे जितना प्यार डोरेमोन से करते हैं उन्हें उतना ही पसंद आता है। वो लड़का जिसके घर में डोरेमोन रहता है, हम बात करते हैं नटखट बच्चे नोबिता की। लंबे वक्त तक बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करता रहा डोरेमोन, उसकी दोस्त शिजुका को कितना पसंद करता है ये तो सभी जानते हैं। वह हमेशा ही शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता है। कई बार दोनों का झगड़ा हो जाता है लेकिन इसके बावजूद इसके डोरेमोन शिजुका और नोबिता दोस्त है। हालांकि अब वक्त आ गया है कहानी को आगे बढ़ाने का और अब जल्द ही डोरेमोन की अलग फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसमें नोबिता और शिजुका की शादी दिखाई जाएगी। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म में इस सीक्वल का नाम स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 होगा। कि वही दूसरी ओर पताल लोक में हथौड़ा त्यागी से बोली तापसी, अब तो इसी पिक्चर में कास्ट ले यार। एक्ट्रेस तापसी पन्नू बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, अपने फैंस के साथ अपना हर पल शेयर भी करती है। तापसी को अपने फैंस से कंटेस्ट रहना काफी पसंद है। वे फिलहाल अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग में व्यस्त है। तापसी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जो एक BTS तस्वीर है। तस्वीर में अपना आप देख सकते हैं तापसी अपनी की स्टार अभिषेक बनर्जी के साथ नजर आ रही है। बता दे अभिषेक ने वेब सीरीज पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी का किरदार निभाया था जिसमें उनको काफी प्यार भी मिला था। कि वही तीसरी ओर क्या तांडव के मैक्स होंगे गिरफ्तार, पूछताछ करने पहुंची यूपी पुलिस। सैफ अली खान की सीरीज तांडव पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है लेकिन बात बढ़ती जा रही है और अब 6 शहरों में FIR दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस मैक्स से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। लखनऊ के हजरतगंज से 4 पुलिस अधिकारी मुंबई पुलिस गए हैं और वे डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अमेजन की हेड अपर्णा पुरोहित, प्रोड्यूसर हिमांशु किशन मेहर और लेखक गौरव सोलंकी से पूछताछ करने वाले हैं। इन सभी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अब जिन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है ऐसे में गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। पुलिस की टीम बुधवार को ही तमाम आरोपी से सवाल जवाब करने वाली है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक भी डाला है कि इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।